बनाए अपने सपनों का घर कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ। शहर की प्राइम लोकेशन पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त एवं समस्त शासकीय अनुमतियां प्राप्त। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव थाना अंतर्गत झोतेश्वर पुलिस चौकी के अधीन गोरतला गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब स्कूल से वापस लौट रहे सातवीं के एक छात्र की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद घटनास्थल पर लगे ट्रांसफार्मर्स चढ़ जाने के कारण आरोपी करंट की चपेट में आ गया, जिसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहाँ से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। झोतेश्वर पुलिस चौकी प्रभारी अंजलि अग्निहोत्री के मुताबिक 13 वर्षीय राज ठाकुर गौरतला गांव निवासी वह बस्ती में स्थित स्कूल में कक्षा सातवीं में पढ़ता था, जो 22 फरवरी को 10 बजे स्कूल गया था, जहां से घर लौटते वक्त कालूराम श्रीपाल उम्र 60 वर्ष ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद घटनास्थल के पास ही आरोपी को एक ट्रांसफार्मर के पास करंट लगा और वह अचेत हो गया। हत्या का कारण अज्ञात है। मामले में धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर घटना के सभी पहलुओं पर पुलिस जाँच कर रही है। ये कल शाम की घटना है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक 13 वर्षीय बालक है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां पर जो बच्चे की डेड बॉडी वहां पर हमको मिली और उसकी जो है हत्या की गई हुई थी, उसमें हमने अपराध उसमें पंजीबद्ध कर लिया है। और जो उसमें आरोपी है उसने भी अपना एक वहाँ ट्रांसफार्मर से छूकर खुद को सुसाइड करने का उसने प्रयास किया था। तो आरोपी जो है इसमें अभी वर्तमान में हॉस्पिटल में है। उसको जो है पुलिस ने उसकी निगरानी के लिए वहाँ पर हम लोग की टीम लगी हुई है। जैसे ही वो ठीक होगा उससे पूछताछ की जाएगी कि किस कारण से उसने क्या कारण था। अभी उसके पास में एक सुसाइड नोट टाइप का एक कागज़ एक मिला है, जिसमें कि उसने बताया है कि कुछ लोग जो है उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि वो बच्चों को परेशान कर रहा है। तो उस संबंध में भी हम अभी जांच इसमें कर रहे हैं। क्या व्यक्ति साइको टाइप का है सर? देखिए, ये अभी उसकी जब ठीक हो जाएगा तो हम उसका जो है मेडिकल परीक्षण कराएंगे और डॉक्टर से इसमें सर्टिफाई करवाएंगे कि क्या उसको कोई मानसिक विसंगति है। कि सर किन धारा मामला दर्ज किया गया? धारा 302, उसमें हत्या के अपराध उसमें। किस बात को लेकर? अरे ये चुनाव मुद्दा पैसे खीर सागर कलड़पा 10 रफ्तार और मासूम 7-8 जने हैं। तो इतने छोटे मासूम बच्चे को मारने की क्या जरूरत थी? इन लोगों ने आज कहाँ उसको भिजवा दी उधर जंगल। हाँ, मेरे को मैं जा रहा था पत्ती लेने, वो गाड़ी लेके आ गए, बोले तुम लोग इसके साथ में ऐसे कर्म कर रहे थे। तो बच्चे को मार दिया तुमने? तो मैंने कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था। कि चलो कि जब जाएंगे तुम एक पेड़ से 302 हो गया कि ये फर्क है बता, गाली दे दी कि तो तुमने बच्चे को मार दिया? हाँ बाबा। कैसे मारा है? बकास। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? नरसिंहपुर से अनुजमा मार, सागर टीवी न्यूज। बनाए अपने सपनों का घर कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ। शहर की प्राइम लोकेशन पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त एवं समस्त शासकीय अनुमतियां प्राप्त। भव्य कॉलोनिया, साकार एनक्लेव, नीलगिरी, मोहन एनक्लेव, गुरुधाम, आचरण इको सिटी, भव्य प्रवेश द्वार, हरा भरा उद्यान, सीवर लाइन, चौड़े कंक्रीट रोड, सीसीटीवी सुरक्षा गार्ड, 24 घंटे बिजली पानी, सुखद वातावरण, कवर्ड कैंपस। साइट विजिट के लिए संपर्क करें कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर, मोहन एनक्लेव कॉलोनी, होटल रॉयल पैलेस के पास, राजघाट रोड, सागर। हमारा नंबर है पुरुषोत्तम चौरसिया, अंकुर चौरसिया, 9617310803, 7507197637।